एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ मॉर्निंग में आप दोनों की आज की एनर्जीज लेकर। आप सभी को सबसे पहले मैं दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आप सभी के जीवन में रोशनी, अंधकार दूर हो और उजाला हो। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी कष्ट हैं आपकी ज़िंदगी में, सब दूर हो जाएं। माता लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश जी की ब्लेसिंग्स हमेशा आप पर बनी रहे और श्री राम की तरह हमेशा आप हर युद्ध में विजय प्राप्त करें, यही मनोकामना के साथ यही प्रार्थना करूंगी आप सबके लिए। शुरू करते हैं गाइज आज की एनर्जी लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा के लिए आपको मैं ये चीज़ें इन्फॉर्म करती रहती हूँ कि ये रीडिंग में राइट साइड में आपकी एनर्जी होती है, क्योंकि डेली कुछ नए सब्सक्राइबर्स होते हैं जो पूछते हैं कि मैम क्या है, किस तरफ देखना है। तो हमेशा के लिए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी हमेशा राइट साइड में रहती है, लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की। अगर आप सिंगल हैं सिर्फ राइट साइड की एनर्जी को फॉलो करेंगे सिर्फ इस रीडिंग में, मॉर्निंग वाली। बाकी और कभी भी कोई रीडिंग मैं करती हूँ तो राइट साइड में ही आपकी एनर्जीज को रखती हूँ। दीपावली है, माहौल बढ़िया है हमारे काशी का। थोड़ी देर में बनेगी मेरी रंगोली। चलिए, आप दोनों की एनर्जी ये है गाइज, आपकी एनर्जी ये है, आपके पर्सन की एनर्जी। आपकी तरफ फर्स्ट कार्ड, वी हैव नाइट ऑफ वांड्स फर्स्ट कार्ड, सेकंड वी हैव फोर ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव सेवन ऑफ वांड्स, देन वी हैव सिक्स ऑफ कप्स, वी हैव फाइव ऑफ व्हील्स, we have wheel of fortune and overall energy we have four of wands. आज के दिन कुछ लोगों के, आप देखिए यहाँ पर शादी विवाह फंक्शन, कोई एनिवर्सरी, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है, साथ ही साथ पूजा पाठ तो आज हर घर में होगा, तो ये तो कॉमन चीज़ है। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा लग रहा है आज के दिन आप में से कई लोग कुछ नया शुरू कर सकते हैं, मे बी नया ऑफिस, नए घर का गृह प्रवेश, समथिंग लाइक दैट। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओवरऑल एनर्जी इज़ वेरी गुड, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। इसके अलावा वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद फाइव ऑफ व्हील्स। कुछ लोगों को लगता है कि इनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा कब होगी। आप में से कई लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको ऐसा लगता है आपके भाग्य में पैसा है ही नहीं। ऐसा आज के दिन तो बिल्कुल मत सोचना, माता लक्ष्मी की कृपा कब किस पर हो जाए वो कोई नहीं जानता। तो हमेशा अपने दिमाग में अच्छा ही सोचा करो। कुछ लोग पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारा कष्ट है, बहुत सारे कर्ज हो चुके हैं आपको चुकाने हैं और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में हैं फाइनेंशियली। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर प्रभु की कृपा कब होगी। तो मैं यही प्रार्थना करूँगी कि सबकी लाइफ में सब सुखी रहें और सबके ऊपर प्रभु की कृपा हमेशा रहती है। बस कुछ कर्म ऐसे होते हैं, कुछ टाइम हमें ऐसा निकालना होता है जो हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए मिलता है। तो हर चीज़ में एक्सपीरियंस लीजिए और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कीजिए। पैसों का थोड़ा नुकसान आज के दिन में नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए पैसे की हानि हो सकती है। कहीं पैसा फंस गया है, कहीं पैसा अटक गया है, जिसको सोच सोच कर आप बहुत कष्ट में हैं। तो बाकी दिन आप टेंशन लीजिए, बट दिवाली है, आज के दिन अच्छा सोचिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए और घर में जो आपके लक्ष्मी हैं, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी माँ, जो भी हैं आपकी घर में, जो भी लक्ष्मी के स्वरूप हैं, उन सभी को प्रसन्न रखने की कोशिश कीजिए।
इसके अलावा आज के दिन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स. सबसे पहले तो जो नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या कर रही हैं, तो ये वापस आ सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं. वापस आने की एनर्जी है और बहुत क्विक एनर्जी है, क्योंकि फायर एनर्जी है. फायर एनर्जी हो, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है. एयर एंड फायर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो क्विक एनर्जी है, फटाफट से. बहुत सारे लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सिचुएशन आपकी टर्न हो सकती है. कुछ लोग आज के दिन में बहुत अकेले रहेंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या होगा, सबके पर्सन आ रहे हैं, मेरे आएंगे नहीं आएंगे, कब तक आएंगे, और आप उनके ख्यालों में बहुत ज़्यादा रहेंगे, उनको चेज़ करना, उनको स्पाई करना, उन्होंने कोई अपडेट की है क्या, कोई फ़ोटो, कोई वीडियो, कोई स्टेटस, कोई स्टोरी, कहीं ना कहीं से आप स्पाई करते हुए नज़र आ रहे हैं. इसके अलावा कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पर्सन पूरी तरह से रेडी हैं, आपकी तरफ से ही प्रॉब्लम आ रही है, आप ही स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं किसी प्रॉब्लम के कारण, या तो आपकी फैमिली रीज़न या आप किसी अदर सिचुएशन में हैं, तो यहाँ पर आप स्टैंड ले सकते हैं या ले सकती हैं. ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपकी एनर्जी है आज के दिन में. आज का दिन कई लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लकी है, भाग्योदय होने की संभावनाएं हैं, सडनली कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, पैसों की किल्लत दूर हो सकती है, तो ब्लेसिंग्स यहाँ पर हैं, नेगेटिव मत सोचिए, ठीक है. आपके पर्सन की तरफ पहला कार्ड ही है टू ऑफ कप्स, क्लेम कर लें इस एनर्जी को. बहुत सारे लोगों के पार्टनर यूनियन में आएंगे आज के दिन में. टेम्परेंस, टू ऑफ कप्स के साथ टेम्परेंस की एनर्जी है. देन वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, बहुत प्यारी एनर्जी है, थू 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 नज़र ना लगे. देन वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स, बोलते ही थ्री ऑफ सोर्ड्स आ गया. देन वी हैव नाइट ऑफ व्हील्स एंड वी हैव टू ऑफ व्हील्स. ओवरऑल एनर्जी है थ्री ऑफ वॉन्ड्स. देखिए, ओवरऑल एनर्जी के अकॉर्डिंग आपके पर्सन और आपके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है जिसके कारण आपके पर्सन बहुत टाइम से वेटिंग एनर्जी में थे, तो ये इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि आपके पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं. तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्हें आज के दिन में सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आपके पर्सन वापस आ रहे हैं. जगलिंग सिचुएशन में अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ हो गई है, अभी भी थर्ड पार्टी में है कुछ लोगों के पर्सन, लेकिन इस जगलिंग से मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं, इस जगलिंग से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं. कुछ लोगों के पर्सन के लिए आज का दिन ऐसा होगा जैसे ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, और आपको मिस करके ये मैसेजेस या कॉल्स तो करेंगे ही, लेकिन ये गिल्ट की भावनाएँ भी नज़र आ रही हैं. बहुत ज़्यादा सफरिंग, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, या फिर कोई ऐसी खबर है जो आपको नहीं पता है इनके बारे में, जो ये आपको बताना चाहती हैं या बताना चाहते हैं. बैलेंस आउट होगा, पीसफुल रिजोल्यूशन निकालने के बारे में बहुत सारे लोगों के पर्सन आज के दिन में सोच सकते हैं. कुछ लोगों के पर्सन अपनी तबीयत से रिलेटेड कुछ अपडेट आपको कर सकते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है, या मेरी रिपोर्ट में ऐसा आया है, मुझे डायबिटीज़ निकल गया है, या कोलेस्ट्रॉल निकल गया है, या बीपी का प्रॉब्लम है, मतलब कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो कि जिसको सोच सोच कर ये बड़े टेंशन में है. दूसरी चीज़, आज के दिन अगर आपके पर्सन कोई इम्पॉर्टेंट काम करते हैं तो उनको सक्सेस मिल सकती है. बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, आपकी तरफ भी थी, इनकी तरफ भी है. प्लस अगर आप लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं तो आज के दिन आप लोगों की मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है, किसी तरह का गिफ्ट आपको रिसीव हो सकता है. साथ ही साथ अगर किसी पर्सन की एनर्जी ऐसी है जैसे ये बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में है, मोर देन सिक्स मंथ्स, अगर छः महीने या उससे ऊपर कुछ लोगों के पर्सन नो कांटेक्ट में थे, बिल्कुल बात नहीं हो रही थी, बिल्कुल टच में ही नहीं थे, आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता, उनको आपके बारे में कुछ नहीं पता, तो ऐसे पर्सन भी आज के दिन रिटर्न आ सकती हैं या रिटर्न आ सकते हैं, मैसेजेस या कॉल्स उनकी तरफ से आपको रिसीव होंगे. सो ये एनर्जीज़ अभी इस वक्त यहाँ पर दिख रही हैं, नज़र आ रही हैं, और मैं यही कहूँगी कि जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो सब आज आपसे रेजोनेट कर जाएं. इसके बाद मिलेंगे एस्ट्रो विद एम सिंह में मैसेजेस के साथ, करंट एनर्जी एंड मैसेजेस, और उसके बाद आएंगे इस चैनल पे करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन की वीडियो के साथ. सो टिल देन, टेक केयर गाइस, बाय बाय.